नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 20 जून दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक भूल सुधार। 19 जून 2023 की प्रसारित 25 खबर बुलेटिन में मानवीय भूल के कारण कनीय अभियंता की जॉब से जुड़ी खबर का प्रकाशन हो गया था। दरअसल यह प्रकाशित विज्ञापन 1/2019 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 16/2/2023 को रद्द कर दिया गया है। अतः मेरे द्वारा प्रसारित खबर को मानवीय भूल माना जाए। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार की कलाकृतियां देखेंगे 30 से अधिक देश। 7 जिलों की 25 पंचायतों में भूजल स्तर 40 फीट तक गिरा। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे प्रतिदिन करेंगे योग। दही चूड़ा और मनेर का लड्डू इन ट्रेनों के मेन्यू में होगा शामिल। जावेद मियादाद ने पाकिस्तान से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का किया आग्रह। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार की कलाकृतियां देखेगा 30 से अधिक देश। बिहार संग्रहालय के द्वारा देश के पहले म्यूजियम बनाने की सफलता से उत्साहित, अपने स्थापना दिवस पर 4.5 माह से अधिक का बिहार म्यूजियम बनाने का दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, जो कि 7 अगस्त से शुरू होकर 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाला है। इस दौरान यहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बिनाले में दुनिया भर के 30 से अधिक देश भागीदारी निभाएंगे। बता दें कि विश्व के सभी बड़े देशों के संग्रहालय इससे जुड़ेंगे। वहीं भारत से 20 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की कृति प्रदर्शनी का हिस्सा बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सलाहकार तथा बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस आयोजन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी। इस दौरान हर सप्ताह इतिहास और कला विषय पर परिचर्चा, विमर्श तथा कुछुए कार्यशालाएं होंगी। इसके साथ ही विदेशी कलाकारों के दल तथा देश के कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इसके साथ इस दौरान कई अन्य गतिविधियां भी करवाई जाएंगी। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे नीतू चंद्रा के बारे में। नीतू चंद्रा का जन्म आज ही के दिन 1984 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेत्री, खिलाड़ी, थिएटर कलाकार और निर्माता है, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड और तमिल फिल्मों में दिखाई देती हैं। वह बॉलीवुड फिल्म गरम मसाला में स्वीटी और ट्रैफिक सिग्नल में रानी के रूप में अपनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। 1997 में नीतू ने हांगकांग में आयोजित विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2012 में नीतू चंद्रा ग्रैंड मास्टर जिमी आर जगतियानी से ताइक्वांडो सेकंड डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री बनी, जिन्हें भारत में ताइक्वांडो के पिता के रूप में जाना जाता है। अगस्त 2016 में नीतू चंद्रा ने वाशिंगटन में दूसरे कोरियाई राजदूत कोरस ताइक्वांडो विश्व चैंपियनशिप में एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। नीतू एक राज्य स्तरीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। 2003 में नीतू चंद्रा ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म विष्णु से की, जिसमें उन्होंने तेजू की भूमिका निभाई। 2005 में नीतू ने अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के साथ फिल्म गरम मसाला से बॉलीवुड में शुरुआत की, जिसमें उन्होंने स्वीटी की भूमिका निभाई। 2011 में नीतू ने देशवा फिल्म में एक विशेष उपस्थिति के साथ भोजपुरी की शुरुआत की। 2021 में नीतू चंद्रा ने फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट से हॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने जया का किरदार निभाया था। 2017 में नीतू चंद्रा ने रंगोली शो के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। नीतू चंद्रा का प्रोडक्शन हाउस चंपारण टॉकीज है। उन्होंने देशवा और मिथिला मखान नामक 2 फिल्मों का निर्माण किया है। 17 जिलों की 25 पंचायतों में भूजल स्तर 40 फीट तक गिरा। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ओर से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 17 जिले ऐसे हैं जहां के 25 पंचायत का भूजल स्तर 40 फीट नीचे तक गिर गया है। बता दें कि जिन 17 जिलों में भूजल स्तर 40 फीट तक नीचे गिर गया है, उनमें गया के बालाचट्टी, फटनकुप्पा प्रखंड, जमुई के गिद्धौर, मुंगेर के संग्रामपुर, बांका के सुबुगंज व नवादा के रजौली, नालंदा के नगरनौसा, इस्लामपुर, सिवान के बरहरिया, शेखपुरा सदर, अरियरी और चेवाड़ा प्रखंड समेत भोजपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली की 25 पंचायत है। बता दें कि जलस्तर में यह कमी अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल करने की वजह से हुई है। विभाग के अनुसार 3 लाख लोगों को हर दिन 1.30 करोड़ लीटर पानी चाहिए, लेकिन 8.12 करोड़ लीटर का दोहन हो रहा है। वहीं वैसे क्षेत्र जो क्रिटिकल स्तर में आ गए हैं, वहां निजी बोरिंग पर रोक लगेगी। वहीं निजी बोरिंग की आवश्यकता पर प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होगी। बिहार के लिंगानुपात में आई भारी कमी। एक ओर जहां बिहार सरकार की ओर से लगातार बालिका जन्म दर बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बिहार सरकार की इस कोशिश पर पानी फेरता नजर आ रहा है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बिहार में प्रति 1000 पुरुष पर 934 कन्या अनुपात था, जो NFHS 5 में घटकर 1000 पुरुषों पर 908 हो गया है। हालांकि अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें तो NFHS 4 के 919 से बढ़कर NFHS
S5 में 929 हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के जिस जिले में लिंगानुपात सबसे कमी आई है वह मुजफ्फरपुर है, जहां NFHS 5 के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर केवल 685 लड़कियां हैं। वहीं दूसरे स्थान पर सारण है, जहां बच्चियों की संख्या 1000 प्रति पुरुष पर 769 हो गई है। पटना में होने वाले G20 समिट के लिए ये हो रही तैयारियां। बिहार की राजधानी पटना में हो रहे G20 समूह देशों की बैठक के जरिए बिहार सरकार दुनिया के सामने राज्य की समृद्धि, संस्कृति, यहां की विविधता और पर्यटकीय स्थलों को इस तरह पेश करना चाहती है कि विदेशी मेहमान यहां की संस्कृति और पर्यटन की संभावनाओं को जान सके। इसके लिए सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही है और विशेष रणनीति भी बनाई जा रही है। बता दें कि इसी रणनीति के तहत विदेशी मेहमानों के सामने बिहार पर्यटन को बेहतरीन ब्रीडिंग की जाएगी, ताकि वे अपने देश के लोगों को बिहार आने के लिए प्रेरित कर सके। बता दें कि बिहार सरकार की ओर से विदेशी मेहमानों को G20 के इस आयोजन के जरिए बिहार के ऐसे पारंपरिक चीजों को दिखाना चाहती है जो अपने आप में अनूठे हैं और खाटी बिहार की पहचान हो। वहीं विदेशी मेहमानों को उपहार स्वरूप सरकार की ओर से बिहार के पर्यटक स्थलों के प्रतीक चिन्ह दिए जाएंगे। बिहार का बेटा बना डॉ प्रमुख। बिहार के भोजपुर के रहने वाले 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रवि सिन्हा को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इन्हें खुफिया एजेंसी रॉ का नया मुखिया नियुक्त करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब IPS रवि सिन्हा वर्तमान रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामंत कुमार गोयल का वर्तमान कार्यकाल 30 जून को पूरा होने वाला है। ऐसे में IPS रवि सिन्हा 30 जून से अगले 2 साल के लिए रॉ के प्रमुख रहेंगे। मालूम हो कि 1988 बैच के अधिकारी रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सामंत कुमार गोयल को वर्ष 2019 में रॉ का प्रमुख बनाया गया था, जिसके बाद उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कुल 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिहार ATS ने PFI के मुमताज अंसारी को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार। बिहार ATS की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिन PFI सदस्य मुमताज अंसारी को तमिलनाडु के चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर तिरुवल्लूर जिले के बड़िया पल्लम थाना के कन्नीगई पेड़ गांव से पटना के फुलवारी शरीफ थाना में दर्ज FIR नंबर 827/22 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मुमताज अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 10 दिनों से बिहार ATS की टीम के द्वारा कैंप किया जा रहा था। वहीं गिरफ्तार किए जाने के बाद इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, जहां इसकी भी और जानकारी निकालने का काम किया जा रहा है। मालूम हो कि जिस केस के तहत मुमताज अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, वह केस साल 2022 के जुलाई महीने में दर्ज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस गिरफ्तारी की पुष्टि ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV कृष्ण की खंडपीठ के द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों व उनके अंतर्गत कॉलेजों में छात्रों के हॉस्टलों की दयनीय हालत को लेकर विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का मोहलत दिया गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य के विश्वविद्यालय व उनके अंतर्गत हॉस्टल की स्थिति काफी दयनीय है। विश्वविद्यालयों व हॉस्टलों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे कि छात्रों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और साथ ही इसका प्रभाव उनकी पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। याचिका में अनुरोध किया गया था कि छात्रों के लिए नए हॉस्टल का निर्माण किया जाए, जिनमें उन्हें सारी सुविधा मिले, ताकि उन्हें पढ़ने लिखने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बता दें कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे सागर पोखर शिव मंदिर के बारे में। सागर पोखरा शिव मंदिर बेतिया शहर का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर मुख्य बेतिया शहर में स्थित है। यह मंदिर शिव भगवान जी को समर्पित है। यह मंदिर बहुत सुंदर है। मंदिर के सामने ही आपको एक बहुत बड़ा तालाब देखने के लिए मिलता है, जिसे सागर पोखर कहा जाता है। इस तालाब का निर्माण बेतिया के महाराज के द्वारा किया गया था। यह मंदिर बहुत सुंदर है, आप यहां पर आकर समय बिता सकते हैं। यहां पर छठ पूजा के समय बहुत सारे लोग आते हैं और पूजा करते हैं, यहां पर आकर अच्छा लगता है। यह मंदिर शिव भगवान जी का प्राचीन मंदिर है। यहां शिवरात्रि को बहुत भीड़ लगती है। यह पश्चिमी चंपारण में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे प्रतिदिन करेंगे योग। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे स्वस्थ रहें और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके लिए अब प्रतिदिन उनके लिए योग की शिक्षा संचालित की जाएगी, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से उन सारे शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को 10 दिनों के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी रुचि योग में हो। बता दें कि इसके पहले चरण के तहत 21 से 31 जून तक राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों से कुल 100 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के तहत राज्य भर के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को
प्रशिक्षित किया जाएगा। बता दें इस बात की जानकारी डीपीओ श्याम नंदन कुमार के द्वारा दी गई है। वहीं प्रशिक्षित हुए मास्टर ट्रेनर स्कूल के अन्य शिक्षकों को इसकी जानकारी देंगे और साथ ही बच्चों के खान पान और बेहतर डाइट के लिए भी जागरूक करने का काम करेंगे। इस वजह से सीएम नीतीश का जनता दरबार हुआ स्थगित। हर महीने के पहले तीन सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जनता दरबार आयोजित किया जाता है, लेकिन बीते महीने के तीसरे सोमवार के दिन जनता दरबार का आयोजन नहीं किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को लेकर तैयारी में जुटे हैं। यही वजह है कि बीते दिन जनता दरबार स्थगित कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की यह बैठक एक अनेक मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की जा सकती है। मालूम हो कि बैठक को लेकर सारी तैयारी सीएम नीतीश की निगरानी में हो रही है। हालांकि बैठक से पहले 20 जून यानी कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के आमंत्रण पर तमिलनाडु जा रहे हैं। शिक्षक बहाली नियमावली पर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी कृष्णन के द्वारा राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली को चुनौती देने वाली सुबोध कुमार द्वारा की गई याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया कि वह अगली सुनवाई में इसका जवाब दे। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहाली के लिए 2023 में नया नियमावली बनाया गया है, जिसके तहत शिक्षक बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस नियमावली के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा और इसके माध्यम से जो शिक्षक बहाल होंगे उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा मिलेगा, लेकिन जो शिक्षक 2006 से कार्यरत हैं उन्हें सरकारी सेवक का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट को यह भी बताया गया कि 2006 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के योग्यता और कार्य समान है, पर नियमावली 2023 के अंतर्गत बहाल शिक्षकों का वेतन अलग होगा, जो कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त 2023 को की जाएगी। बिहार सरकार उत्तर और दक्षिण ग्रामीण बैंकों को देगी 84.87 करोड़ रुपए। ग्रामीण बैंक भी अनुसूचित सरकारी और निजी बैंकों से बराबरी कर सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से बिहार के उत्तर और दक्षिण ग्रामीण बैंकों को 84.87 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दरअसल ग्रामीण बैंक पूंजी के अभाव में अनुसूचित सरकारी और निजी बैंकों से पिछड़ रहे हैं और ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियां दूसरे बैंकों की तुलना में लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बिहार के उत्तर और दक्षिण ग्रामीण बैंकों को यह राशि आकस्मिकता निधि से देगी। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंकों को 57.79 करोड़ रुपए और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को 28.06 करोड़ रुपए बिहार सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दही चूड़ा और मनेर का लड्डू इन ट्रेनों के मेन्यू में होगा शामिल। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों को सुविधा पहुंचाने के लिए आए दिन कई बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में कई बार भारतीय रेलवे में खान पान को लेकर काफी शिकायतें सुनने को मिलते रहती है। इसी को देखते हुए अब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि लंबी दूरी के ट्रेनों में स्थानीय खाना और नाश्ता यात्रियों को परोसा जाए। इसी के तहत IRCTC के एक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब कुछ ट्रेनों में दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, मखाने की खीर और मखाने से तैयार अन्य व्यंजन और मछली चावल भी परोसे जाएंगे। बता दें कि सुविधा जिन ट्रेनों में मिलने वाली है वह दरभंगा से खुलने वाली बिहार संपर्क क्रांति, पवन एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस और मेल ट्रेन शामिल है। इस बारे में IRCTC संयुक्त प्रबंधक राजेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से ट्रेन में दही चूड़ा को मेन्यू में ऐड करने और कैसे परोसा जाएगा इसकी तैयारी चल रही है। वहीं मखाने से तैयार व्यंजन को भी मेन्यू में ऐड किया जाएगा। बिहार पुलिस इस अभियान के तहत लौटा रही लोगों के चोरी हो चुके मोबाइल फोन। कई बार मोबाइल चोरी के वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी के इस डिजिटल समय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, निजी जानकारियां और अन्य चीजें हमारे मोबाइल फोन में सुरक्षित होती हैं। ऐसे में मोबाइल चोरी हो जाने पर इन सब के दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन अब इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस अब चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी आसानी से कर लेगी। बता दें कि इसके लिए बिहार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान चलाए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG JS गंगवार के तरफ से दी गई है। उनके द्वारा बताया गया कि इस अभियान के लिए एक विशेष टीम काम भी कर रही है। यह अभी काफी सफल भी साबित हुए हैं, जिस वजह से पुलिस मुख्यालय काफी उत्साहित है। बता दें कि इस अभियान के तहत बरामद हुए फोन को कैंप लगाकर जिनका फोन है उन्हें लौटाया भी जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 1411 से भी ज्यादा लोगों को मोबाइल अब तक 5 महीने में लौटाया जा चुका है। बिहार के इन जिलों में लू की संभावना, तो वहीं इन जिलों में भारी बारिश के आसार।
बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते हालात के बीच में प्रदेश के कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तेज लू और गर्मी की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रदेश के सीमांचल के इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो दोनों अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक तरफ लू की मार है, तो वहीं दूसरी तरफ से तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार जारी येलो अलर्ट में गया, नवादा और जहानाबाद जिलों में एक से दो स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ सुपौल, किशनगंज और अररिया जिले में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में एक या दो स्थानों पर तेज गर्मी और लू चलने की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ प्रदेश के उत्तर और दक्षिणी पूर्व के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई जा रही है। मुंगेर की बेटी मनीषा पहुंचे बिग बॉस ओटीटी 2 के घर। टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील से फेमस हुई बिहार के मुंगेर की बेटी मनीषा रानी अब बिग बॉस ओटीटी 2 के घर में पहुंच गई है, जहां वह 12 दिग्गजों के साथ बिग बॉस हाउस में समय बिताएगी और अपने स्टाइल में पूरे देशवासियों के दिलों पर छाएगी। वहीं मनीषा रानी का बिग बॉस ओटीटी के घर में चयन होने से उनके माता पिता को उन पर काफी गर्व महसूस हो रहा है। वहीं मनीषा रानी को वोटिंग करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंस्टाग्राम व सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर उनके 4.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यह कपिल शर्मा के शो में भी पहुंच चुकी हैं और साथ ही वर्ष 2023 में एक महापूर्व दुबई में आयोजित आईफा अवार्ड में भी उन्हें भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला था। इससे पहले उनका चयन वर्ष 2015 में डांस इंडिया डांस शो के लिए भी हुआ था। जिलाधिकारी की जांच के बाद निजी स्कूलों को मिलेगी एनओसी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य के कक्षा 9 से 12 तक के निजी स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी तब दिया जाए जब जिलाधिकारी के स्तर से जांच पूरी हो जाए। इसके साथ ही विभाग की ओर से राज्य के 102 निजी स्कूलों की जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें स्कूलों की आधारभूत संरचना की तस्वीरें भी होनी चाहिए। वहीं विभाग की ओर से ही जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट के आधार पर एनओसी देने का निर्णय लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा राज्य के 30 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया है। 23 जून की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के होने वाले बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही है। बता दें कि इस बैठक में शामिल होने वाले सभी मुख्यमंत्रियों और अन्य अतिथियों के लिए ठहरने के लिए स्टेट गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई है और साथ ही पटना सर्किट हाउस में भी अतिथियों के ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात उनके खाने पीने की करें तो उसकी जिम्मेदारी पटना के महत्वपूर्ण होटलों को दी गई है। वहीं अतिथियों को दिए जाने वाले पकवान में बिहार के व्यंजन को भी शामिल किया जाएगा। बता दें इस बारे में विधान पार्षद संजय गांधी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवभगत में कोई कमी रहने नहीं देंगे। यह 2024 की बड़ी लड़ाई की तैयारी है, ऐसे में इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। बिहार कृषि मंत्री का केंद्र सरकार पर आरोप। बीते दिन सोमवार को बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सरजीत के द्वारा किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत करने के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा लगातार बिहार के किसानों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है। हमारा पूरा ध्यान उनकी परेशानियों को दूर करने में है। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान है, अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए सरकार अपना पूरा खजाना खोल देगी। पिछली बार किसानों को 600 करोड़ की सब्सिडी दी गई थी, जरूरत पड़ी तो फिर उनके लिए खजाना खोल दिया जाएगा। हमने कई जिलों के किसानों को बात सुनी और उनका सहयोग किया। अगर आज तक का डेटा देखा जाए तो 20-25% तक बीज वितरण हो गया है। सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। हर निर्णय में कृषि विभाग साथ खड़ा रहेगा। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास कोई कमी नहीं है। किसानों को खाद उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। जीतनराम मांझी ने नीतीश सरकार से समर्थन लिया वापस। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के संस्थापक सदस्य और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के द्वारा पार्टी की राष्ट्रीय कारिणी की बैठक के बाद घोषणा करते हुए जानकारी दी गई है कि हम पार्टी की ओर से बिहार की नीतीश सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम को गवर्नर हाउस जाएंगे, जहां वह अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी के साथ जाकर महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेडकर को सरकार से समर्थन वापसी का पत्र सौंपेंगे। इसके लिए राज्यपाल से समय ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकल्प तलाशने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, हमारे दिल्ली में विकल्प खुले हुए हैं। अगर हमें एनडीए की ओर से बुलावा आता है तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे, लेकिन हम थर्ड फ्रंट की भी बात करेंगे। अगले 3-4 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है।
जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप को बायकॉट करने का किया आग्रह। एक बार फिर से महान बल्लेबाज जावेद मियांदाद के द्वारा भारत के प्रति एक ऐसा बयान दिया गया है जिससे खलबली मच गई है। दरअसल जावेद मियांदाद के द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान 2012 में भारत गया था और 2016 में भी, अब भारत की बारी है कि वो यहाँ आए। अगर मुझे फैसला लेना होता तो मैं कोई भी मैच खेलने के लिए भारत नहीं जाता, भले ही विश्व कप क्यों ना हो। हम हमेशा भारत के खिलाफ खेलने को तैयार रहे, लेकिन उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दी। पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा है, हम क्वालिटी खिलाड़ी दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम भारत का दौरा नहीं करें तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी अपना पड़ोसी नहीं चुन सकता है, बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे के साथ समझौता करके चले। मैंने हमेशा कहा कि क्रिकेट ऐसा खेल है जो लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है, वो देशों के बीच गलतफहमी को खत्म कर सकता है। यह तय लग रहा था कि भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी, तो अब समय है कि हम मजबूत कदम उठाएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन 1887 में मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लोगों के लिए खुला। पुणे में SNDT महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। भारत सरकार ने 1996 में जिनेवा सम्मेलन में CTBT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विश्वनाथन आनंद ने 1998 में व्लादिमीर कैमेनिक को हराकर 5वीं फ्रैंकफर्ट क्लासिक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले दुनिया के 1999 को 5 नगरों में क्रमशः मैक्सिको सिटी, पेचिंग, संघाई, तेहरान और कलकत्ता शामिल हुआ। प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा 2014 में की। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति किर्लोस्कर उद्योग समूह के वे संस्थापक लक्ष्मण काशीनाथ किर्लोस्कर का जन्म 1869 को हुआ। कुशल पत्रकार तथा लेखक गौर किशोर घोष का जन्म 1923 को हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। दरअसल PIB ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट बताकर एक फर्जी वेबसाइट https://samagrashiksha.org विभिन्न पदों पर नौकरी देने का दावा कर रहा है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट सरकार से संबंध नहीं है। भारत की प्रामाणिक जानकारी के लिए https://samagra.education.gov.in पर जाएं। इंस्टाग्राम नोट्स में ऐसे लगाए अपनी पसंद का म्यूजिक। इंस्टाग्राम अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर्स को पेश करते रहता है। हाल ही में कंपनी ने अपने ऐप में इंस्टाग्राम म्यूजिक नोट्स फीचर को पेश किया है। इंस्टाग्राम आपको नोट्स में 30 सेकंड तक का म्यूजिक लगाने का विकल्प देता है और आप इसे टेक्स्ट या इमोजी के साथ भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन करना है। अब ऊपर दाईं ओर चैट आइकन पर क्लिक करें। प्लस आइकन के साथ प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें जो ऊपर बाईं ओर है। अपने नोट में ट्रैक जोड़ने के लिए ऐड म्यूजिक बटन पर टैप करें। आप फॉर यू टैब से ट्रैक चुन सकते हैं या अधिक विकल्पों के लिए ब्राउज कर सकते हैं। अपने नोट में म्यूजिक जोड़ने के लिए ट्रैक के सामने प्ले बटन पर क्लिक करें। अब म्यूजिक आइकन के टॉप पर बबल में टेक्स्ट या इमोजी जोड़े। आप अपने सभी फॉलोवर्स और जिन्हें आप फॉलो बैक करते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसे चैट विंडो पर देखने के लिए शेयर पर क्लिक करें। बीते दिन मजरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मजरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुमारी संजना, बाबूलाल मनांडी, विनय राज, अनवर करीम खान, बद्री कुमार, विक्रम कुमार, नैन प्रकाश यादव, प्रयाग सिंह, राजकिशोर महतो, राबिया बसरी, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, सदुल्लाह पलवी, रविशंकर, राजीव कुमार, तबरेज आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के प्रसिद्ध बिहारी व्यंजनों में आपका मनपसंद व्यंजन कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।